हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमको डिस्कस करना है स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस, इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसको हम स्टैट्स 2 भी बोल रहे हैं। इस सिलेबस को बेटा हमको डिस्कस करना है, ठीक है जी? आपको पता ही है, एवरी ईयर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक मीटिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि इस साल आपको क्या सिलेबस और कहां से रीडिंग से पढ़ना है। तो इस बार वाली मीटिंग 17 मार्च 2023 को हो गई है बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे को जो जो सिलेबस में इन्होंने बोला है, थोड़ा सा मैंने समराइज किया है, आप इसको देखिएगा। देखो, इन्होंने हमको बोला कि यूनिट 1 जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की है, और ये आपको इस तरीके से पढ़नी है। इसमें सब टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब। बेटा मेजरली हम बात करें तो आपकी प्रिंसिपल टेक्स्ट बुक जो है वो डिबोर है। तो अगर मैं सिर्फ डिबोर के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये चैप्टर 5 का वो रिमेनिंग पोर्शन है जो लास्ट सेमेस्टर में आपने नहीं किया था। पहले 2 सेक्शंस आपने लास्ट सेमेस्टर में कर लिए थे, उसके आगे के सेक्शंस हैं यहां पर। और इसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे बेटा, इसकी जो वेटेज है वो 20 मार्क्स की है डिबोर चैप्टर 5 की। और इन्होंने बोला कि 2 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 3, एवरी क्वेश्चंस विल बी ऑफ 10 मार्क्स। तो 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स, 20 मार्क्स का ये आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 1। इसके बाद है बेटा आपका यूनिट नंबर 2, एस्टिमेशन। इसमें अगर हम बात करें तो इन्होंने पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन की बात करी, और कुछ इंटरवल्स को एस्टिमेट करने को भी बोला, जेड टी का स्क्वायर और एफ के। तो अगर मैं डिवोर के अकॉर्डिंग कुछ डिस्कशन करूं तो बेटा ये चैप्टर 6 और चैप्टर 7 कवर हो रहा है डिवोर का। इसमें इन्होंने बोला कि 3 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस, और एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 10 मार्क्स, यानी कि ये यूनिट 30 मार्क्स का है। फर्स्ट यूनिट जो है 20 मार्क्स का है, सेकंड यूनिट 30 मार्क्स का है, ठीक है। इसके बाद आगे बेटा इन्होंने बोला यूनिट 3 और 4 मर्ज करके इन्फ्रेंस की बात है, थोड़ा सा हाइपोथेसिस और उसका इंट्रोडक्शन है टाइप 1 टाइप 2 एरर का, और फिर ये प्योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टैटिस्टिक्स में और आगे जाके इकोट्रिक्स में भी। इसमें इन्होंने बोला बेटा कि आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 5, और एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 10 मार्क्स, यानी कि 40 मार्क्स इसकी वेटेज है। तो आप ये समझ गए होंगे कि यूनिट 1 जो है बेटा इसकी वेटेज है 20 मार्क्स, यूनिट 2 जो है इसकी वेटेज है 30 मार्क्स, और यूनिट 3 और 4 दोनों मिलाकर इसकी कंबाइंड वेटेज है 40 मार्क्स। डिबोर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, चैप्टर 5 यूनिट 1 को कवर कर रहा है, 6 और 7 इसको कवर कर रहे हैं, और डिबोर के अकॉर्डिंग चैप्टर 8 और चैप्टर 9, ये 2 चैप्टर्स हैं जो इस 4th यूनिट को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम रीडिंग्स की बात करें बेटा, तो रीडिंग्स में यहां पर आपको कुछ टीचर्स के रीडिंग बोली है, लेकिन यहां पर डिटेल में डिस्कशन जब इन्होंने करी तो इन्होंने बोला JL डिबोर प्रिंसिपल टेक्स्ट बुक रहेगी, एंड HTZ यानी कि हॉग्स वाली जो रीडिंग है ये भी आपको प्रिंसिपल टेक्स्ट बुक की तरह यूज होगी। बेसिकली इससे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, मेजर कंटेंट डिबोर से करना होगा, ठीक है जी। इसके बाद कुछ टॉपिक हैं बेटा जो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिए, हाउएवर नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स। ये टॉपिक्स बेटा जो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं पूरे पूरे, दैट इज साइमल्टेनियस एक्सपेरिमेंट्स, बीटा एंड सैंपल साइज डिटर्मिनेशन एंड पावर कर्व्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि नोट करना कि ये टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। इसके अलावा बेसिक चीजें हैं जो पहले भी हमको पता है, इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस जो हैं वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक होंगे, और फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ आप करेंगे। वेटेज वगैरह यहाँ पर इन्होंने 20 मार्क्स, 30 मार्क्स और 40 मार्क्स दिए है, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। पेपर का मैं एक बार आपको ब्लूप्रिंट भी दोबारा समझा दूंगा। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट और जो फाइनल मार्क्स हैं एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 90 मार्क्स का होगा, जैसे इन्होंने पहले भी बोला था, इस बार भी बोला है, उम्मीद है इस बार कर भी देंगे, पिछली बार करा नहीं था इन्होंने। और कहां कहां से पढ़ना है, यहां इन्होंने देखो बेटा यूनिट 1 है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको एक रफ वे में अभी बताया था कि वो चैप्टर 5 कवर कर रहा है डिबोर का, एग्जैक्टली यहां पर लिखा हुआ है कि क्या क्या कवर हो रहा है। इन्होंने बोला डिबोर में सेक्शन 5.3, 4 और 5 ये कवर हो रहा है, और इसमें से कुछ एक्सक्लूड भी किया है। HTZ में से चैप्टर 5 में से सेक्शन 5.6 कवर हो रहा है, और इस तरीके से कुछ और भी हमको बातें बोली हुई है इन्होंने। यूनिट 2 में भी आगे डिटेल में बेटा ये मेन क्लासेस में हम डिस्कस कर लेंगे।
आप एक रफ आइडिया ले लें, यूनिट टू एस्टिमेशन जो है डिवोर का चैप्टर 6 और 7 यहां पर कवर हो रहा था, तो इन्होंने बोला कि चैप्टर 6 में ये कवर करना है इन पेजेस को छोड़कर, और चैप्टर 7 कवर करना है आपको। इन्फ्रेंस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन दोनों को मिलाकर हमने बोला था कि चैप्टर 8 कवर हो रहा है डिवोर का और चैप्टर 9 कवर हो रहा है डिवोर का। तो यहां पर बताया गया है कि चैप्टर 8 में क्या क्या छोड़ना है और चैप्टर 9 में क्या क्या छोड़ना है, साथ साथ HTZ इस बुक में से भी क्या क्या आपको कवर करना है वो सब यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, एसेंशियल रीडिंग्स की बेटा अगर हम बात करें तो यहां पर 6 एसेंशियल रीडिंग्स इन्होंने दी हुई है। डिवोर और हॉक्स तो है ही हमारी, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा रीडिंग्स भी इन्होंने बोला है कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इनमें से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और टीचर्स के लिए 2 रीडिंग्स और इन्होंने रिकमेंड की हैं। बेटा मेजरली अभी जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, पेपर का ब्लूप्रिंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ये जो इन्होंने सिलेबस हमको दिया है इसके अकॉर्डिंग अभी क्या लग रहा है कि हमारा किस तरीके से एग्जाम में जो है पेपर आएगा। बेटा जो एक्सपेक्टेड है हमारा जो अभी एग्जाम होने वाला है 2023 में एक्सपेक्टेड है, इसमें हमसे 3 सेक्शंस पूछेगा। ये सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ये हमारी 3 जो यूनिट्स हैं उन्हीं में से कवर करते हुए बनेगा। सेक्शन ए में इन्होंने पहले ही बोल दिया, इस तरीके से बोलेंगे, डू एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। तो 2 क्वेश्चन यहां पर आपको करने होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन आएंगे बेटा, 10 मार्क्स ईच, और इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और ये कवरेज कहां से आ रही है, अगर मैं डिवोर की बात करता हूं बेटा तो चैप्टर 5 डिवोर में से ये कवर हो रहा है। एसटीजेड का भी एक चैप्टर है, मेजरली मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि सेक्शन ए में 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है जी, इसके बाद जब सेक्शन बी है इसमें इन्होंने बोला बेटा, डू एनी 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस। यहां पर आपके पास 4 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, इनमें से कोई भी 3 आपको करने होंगे और सारे क्वेश्चंस 10 मार्क्स के ही होंगे। अब यहां पर आप एक बात समझ लो बेटा, 10 मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन आएगा और 10 मार्क्स के लिए आपको कंप्लीट करना होगा। ऐसा होगा जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है 10 मार्क्स का, इसमें कुछ पार्ट्स होंगे ए बी सी, 3 पार्ट दे दिए 3-3-4 करके, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा। ये बात मेरे ख्याल से लास्ट सेमेस्टर में भी आप समझ गए होंगे, लास्ट सेमेस्टर में भी ऐसा ही था। अब ये जो सेक्शन बी है 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस करने आउट ऑफ 4, बेटा इसमें हमारे चैप्टर 6 और 7 कवर हो रहे हैं। ठीक है, इसके तुरंत बाद सेक्शन सी जो है वही इसी कॉन्टिन्यूशन में आगे बढ़ेगा, वो बोलेगा डू एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। यहां 5 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पहुंच गए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 10 मार्क्स ईच। तो यहां पर हमारे को 5 में से 4 क्वेश्चंस करने होंगे, 40 मार्क्स की यूनिट हमारी हो गई। और चैप्टर कौन कौन सा कवर हो रहा है बेटा, 5 इधर कवर हुआ, 6 7 इधर कवर हुआ, तो 8 और 9 चैप्टर यहां कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो वेटेज आप समझ गए, यहां 2 में 2 करने आउट ऑफ 3, तो इसकी वेटेज है 20 मार्क्स। 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4, इसकी कोई वेटेज है 30 मार्क्स, एंड 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5, इसकी क्वेश्चन वेटेज है बेटा 40 मार्क्स। टोटल 90 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होने की उम्मीद है। ठीक है जी, ये कुछ ब्लूप्रिंट रहेगा बेटा, पढ़ाई का तरीका बाकी आपको मालूम ही है, हम अपनी बुकलेट से पढ़ते हैं, मैंने आपको अपनी बुकलेट प्रोवाइड कर दी है, आप उस बुकलेट से पढ़ाई करेंगे और साथ साथ हम लोग रीडिंग्स में से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और 10 ईयर भी, जैसा कि मैंने आपको पहले एमएमई की ओरिएंटेशन वीडियो में भी बता दिया था। हम लोग टॉपिक वाइज 10 ईयर का नया कॉन्सेप्ट चला रहे हैं बेटा, इसमें कोई भी टॉपिक करते हैं साथ साथ उसका 10 ईयर कर लेते हैं, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो स्टैट्स में भी वही चीज हम कंटिन्यू रखेंगे। इस बार सिलेबस थोड़ा सा हैवी बनाया है,
थोड़ा सा ज्यादा है सिलेबस इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सिलेबस जो होता था सेमेस्टर का, तो शुरू से ही मेहनत करने में लग जाइएगा। और फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से याद दिला दूं बेटा, 90 मार्क्स आपके एक्सटर्नल के हैं, लेकिन इस बार काफी सारे मार्क्स आपके इंटरनल को भी मिलने वाले हैं, तो इंटरनल के मार्क्स भी इस बार काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो डे वन से ही आपको स्टडीज करना स्टार्ट कर देना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए जैसा बहुत सारे बच्चों ने लास्ट सेमेस्टर में किया कि एंड में पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। एंड में पढ़ाई शुरू करने से हो सकता है आपका एक्सटर्नल तो संभल जाए, ये 90 मार्क्स तो संभल जाए, लेकिन इंटरनल के मार्क्स वहां पर आपको गड़बड़ कर देंगे। तो बेटा डे वन से ही पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, सी यू ऑन संडे।